बक्सर आरा रेल प्रखंड लगातार चेन पुलिंग से परेशान आरपीएफ के अधिकारियों ने ट्रेन चेन पुलिंग करने वाले 3 गिरोह के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार नवंबर माह से ही बक्सर आरा रेलवे प्रखंड पर लगातार दर्जनों ट्रेन की चेन पुलिंग पर शराब तस्कर अपने स्थानों पर शराब उतार रहे हैं, जो कि जिसके कारण यात्रियों को और सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। लगातार हो रहे चेन पुलिंग से परेशान आरपीएफ दानापुर के कमांडेंट चंद्रमोहन मिश्रा के निर्देश पर बक्सर आरपीएफ इंस्पेक्टर सूर्यवंशन प्रसाद ने नेतृत्व में टीम गठित कर ट्रेन में गश्त की एक चैनी पुलिंग करने वाले लोगों पर विशेष नज़र रखी हुई थी। इसी दौरान ट्रेन के मौजूद 3 शराब तस्कर चैन पुलिंग कर शराब उतारने की तैयारी कर ही रहे थे कि आरपीएफ की टीम ने 57 बोतल शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूछताछ इनसे जारी है। आप भी देखिए सीएनबी के माध्यम से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। सूचनाएं गुप्त रूप से प्राप्त हो रही थी कि बड़े पैमाने पर शराब का ढोने का ले जाने का काम जो है ट्रेनों से हो रहा है, जो बीच में चैन पुलिंग करके उतरने की भी घटनाओं की सूचना मिल रही थी। इस दिशा में वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त महोदय दानापुर श्री सीएम मिश्र साहब का भी इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश और जानकारी मिली कि इस पर कार्रवाई करें। उस दिशा में लगातार कार्रवाई चल रही थी और उसी कार्रवाई के दौरान दिनांक 18 की रात्रि 12 बजे डुमराव में चेकिंग के दौरान 3 लोग जो है संदेह के हालत में बैग के साथ पाए गए थे, जिनका तलाशी के दरमियान भारी मात्रा में बैग से शराब की बोतलें मिली हैं, जिसको नियमानुसार कार्रवाई कर जब्त कर सामानों को अग्रिम कार्रवाई के लिए जीआरपी थाना बक्सर को अग्रसारित किया गया है। इन्हीं लोगों के द्वारा कहीं तुलाल सिंगल नहीं किया जा रहा था शराब उतारने के लिए? अभी तक के जो इंट्रोगेशन में पूछताछ के दरमियान इन्होंने इस बात को नहीं स्वीकार किया है कि लाल सिग्नल करके उतारते थे। ये लोग सारे लोग डुमराव स्टेशन पर उतरे और सबकी हालत में उतरे थे और इनके पिट्ठू बैग में जाँच के दरमियान शराब पकड़ा गया।